पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। अश्विन माह कृष्ण पक्ष के 15 दिवसों को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों का पृथ्वी पर आगमन कर जल आहार ग्रहण करना व परिवार को आशीर्वाद प्रदान करना पितृपक्ष है। पितृ से आशय जैसे मनुष्य योनि देव योनि ठीक वैसे ही पितृ योनि से है। इसका पितृ सत्तात्मकता से कोई संबंध नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न कभी न कभी उठता होगा कि अश्विन माह में ही पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। क्योंकि सनातन में सब कुछ तर्क सम्मत है, यहाँ आंख मूंद कर अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ आधार है। शास्त्रों अनुसार पितृलोक को चंद्रमा के दक्षिण में 22 डिग्री पर कहीं माना जाता है। विज्ञान के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के सबसे निकट होती है, इसलिए पितरों का चंद्रमा से पितृलोक हेतु आगमन का यही सबसे उपयुक्त समय होता है। वेदों में पितरों के निवास की दिशा दक्षिण मानी गई है, जिसमें महाश्वान व हीन श्वान की चर्चा है। वेदों के श्लोक व विज्ञान के केनिस माइनर मेजर तारे पढ़कर आपका मन अपने पूर्वजों के प्रति गर्व से भर उठेगा कि उन्होंने खगोल व अंतरिक्ष विषयों का कितना गहरा ज्ञान था। न केवल ज्ञान था अपितु उसे व्यवहारिक रूप में परंपराओं में ढालकर अपनाया भी जाता था। पुनः पितृपक्ष विषय पर लौटते हैं। आपके मन में उठ रहे एक और प्रश्न का उत्तर लीजिए कि श्राद्ध पक्ष तिथि अनुसार ही क्यों मनाए जाते हैं। जब इसका उत्तर आप पाएंगे तो आपका मन ऋषि मुनियों का ज्ञान जानकर रोमांचित हो उठेगा। पितृलोक व पृथ्वी की समय गणना अलग अलग होती है। पितृलोक का एक दिन बराबर होता है पृथ्वी के एक वर्ष के लगभग। पितृलोक का एक घंटा बराबर होता है पृथ्वी के 15 दिन के। पितृलोक का 4 मिनट बराबर होता है पृथ्वी के एक दिन के। पितृलोक का प्रवेश मार्ग अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में केवल एक घंटे के लिए खुलता है, जो कि पृथ्वी पर 15 दिन के बराबर है। किसी परिवार के पितर को पृथ्वी पर आने के लिए केवल 4 मिनट का समय ही मिलता है, जो कि पृथ्वी पर एक दिन के बराबर है। ये 4 मिनट का समय तिथि अनुसार तय होता है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु पश्चात कुछ वर्ष उपरांत उसके तिथि मिलान की पूजा की जाती है। आपके पूर्वजों की आत्मा को वर्ष में एक बार 4 मिनट हेतु आपके घर आकर जल आहार ग्रहण करने की अनुमति प्राप्त होती है। पितृलोक का एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष बराबर होता है। अंततः पितृ श्राद्ध पक्ष में जलपान ग्रहण कर वर्ष भर के लिए तृप्त रहते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये जलपान उन्हें विधि पूर्वक श्राद्ध करने व मनुष्य ब्रह्मांडों पक्षी पशुओं को भोजन कराने से मिलता है। पितृ के रुष्ट होने से आपका अच्छा समय खराब हो जाता है। अंततः अपनी यथाशक्ति के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करें। कुछ ना बने तो कुछ मीठा बनाकर दीपक जलाकर नवेदय बनाएं व गाय श्वान कौवा या जो मिले उसे खिलाएं। वो भी ना बने तो कुछ फल मंदिर में चढ़ाएं और पितरों का आवाहन कर जलपान ग्रहण करने का निवेदन करें व उनके आशीर्वाद की कामना करें। पितरों को नमन कीजिए, वो आपके साक्षात देवता हैं। शास्त्रों में पूर्वजों को देवतुल्य माना गया है। जिनके पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में सदैव खुशहाली रहती है। भारत समन्वय परिवार समस्त पितरों को सादर प्रणाम करता है और आप सभी के लिए खुशहाली शांति व समृद्धि की कामना करता है।